अरे वाह मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। हाँ मटरू, आ तो रही है खाने की बढ़िया खुशबू। वो सावित्री दीदी की दुकान है, वो एक बावर्ची है जो स्वादिष्ट खाने की चीजें बनाती है। तुम्हें इनके हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मी, क्या मैं एक लड्डू खा सकती हूँ? ठीक है मटरू, सावित्री दीदी एक लड्डू देना। वाह मम्मी, मजा आ गया खाकर। दीदी एक किलो टमाटर देना। मम्मी ये कौन है? मटरू ये एक किसान है और ये अपने खेतों से हमारे लिए ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। अरे ये क्या मम्मी, ये बैग तो फट गया। कोई बात नहीं मटरू, हम हैप्पी चाचा से इसको ठीक करवा लेंगे। ठीक वैसे ही ना मम्मी, जैसे हैप्पी चाचा ने मेरी फ्रॉक को ठीक किया था। बिल्कुल सही मटरू, हैप्पी चाचा एक दर्जी हैं। वो हमारे कपड़ों को सिलते हैं और उन्हें ठीक भी करते हैं। मम्मी ये अंकल कौन है? ये एक डॉक्टर है और बीमार लोगों को ठीक करते हैं। ओह अच्छा, अब समझी। जब मुझे सर्दी हुई थी तो आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। बिल्कुल सही मटरू। ये लो मटरू, तुम्हारा स्कूल भी आ गया। बाय बाय मम्मी। गुड मॉर्निंग बच्चे, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि आप सभी बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो बताओ, सबसे पहले कौन बताएगा? टिंकू बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर मैं बड़ा होकर एक किसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी पसंद की सब्जियाँ उगा सकूं। और मुझे सबके लिए खाना बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं एक बावर्ची बनना चाहती हूँ। और मैं अपनी एक दुकान खोलना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि जब कोई बीमार हो तो मैं उसका इलाज करके उन्हें ठीक कर सकूं। सर मैं बड़ा होकर आपकी तरह एक टीचर बनना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे कपड़ों से नई नई चीजें जैसे कपड़े, थैला, रुमाल बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं एक दर्जी बनना चाहती हूँ। बच्चों याद हमेशा तुम ये रखना, कोई भी पेशा छोटा ना बड़ा, लड़की हो या हो तुम लड़का, बन सकते हो वो जो तुमने है सोचा। बच्चों मटरू, गप्पी, स्माइली, टिंकू और चुटकी की तरह आप भी सोचें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों आप भी इस बारे में सोचें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।